आइए 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 आइए। बनाए जा सकते हैं सबसे पहले मजबूती होगी कुल्हान को कितनी मजबूती होगी। देखिए मैं सबसे पहले तो मैं अपने राज्य के लोकप्रिय डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत जी को बधाई देता हूँ कि कभी हम लोग ने सोचा नहीं था कि रामदास सोरेन जी जो एकदम कोर आदिवासी हैं उनको इतना बड़ा सम्मान। बेबी देवी को जब मंत्री बनाया जा रहा था तो ये भाजपा के लोग हंस रहे थे कि यार कहाँ से लिया है क्या है नहीं है। आज देखिए गरीब को अगर सम्मान अगर कोई गरीब को किचन से उठा के अगर मुख्यमंत्री जी बड़ा सम्मान देते हैं तो एक मैसेज तो जाता ही जाता है। रामदास सोरेन जी काफ़ी अनुभवी लीडर रहे हैं और सदन में मैंने देखा है उनकी आवाज़ को मैंने देखा है तो उनको देखने से लगता है कि नहीं आदिवासी कल्चर एक आदिवासी सोच लगता है कि अपनापन अबुआ रामदास तो बहुत बड़ा पैगाम मुख्यमंत्री जी ने दिया है और हमें लगता है कि चंपई सोरेन उनके आगे पीछे भी नहीं रहेंगे। चंपई सोरेन जी ने बहुत बड़ी भूल की है और चलिए आप गए तो नए व्यक्ति आ गए हैं नया पारी की शुरुआत होगी योजनाओं का लाभ मिलेगा लोगों का काम होगा। टाइगर के दिन को कैसे पूरा करेंगे धान के टाइगर को आप कैसे भरेंगे उसकी जगह को। देखिए चंपई सोरेन जी ये बात सही है उनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता था लेकिन मैंने कल ही कहा है कि उनको तो भाजपा जो है एक जोकर बना दिया सर्कस के मैदान में उनको पेश कर रहा है और कोई मैदान नहीं मिला था क्या। जहाँ सर्कस का मैदान हम लोग फेमस है झारखंड में वहाँ लोग सर्कस देखने जाते थे हमारा परिवार भी सर्कस देखने जाता था कोई रशियन सर्कस है कोई पैनामा सर्कस है बहुत सा सर्कस आता था। अब चंपई सोरेन का सर्कस आ रहा है तो भाजपा ने कभी भी मैं कहना चाहता हूँ लोगों का मजाक उड़ाने का काम किया है लोग आदिवासियों का मजाक उड़ाया है भाजपा ने। मैं चंपई सोरेन जी को कहूँगा कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उस मैदान में आप शपथ मतलब शामिल मत होइए वो आपको देखिए भाजपा के लोग हंटर से आपको डील करेंगे। इरफान जी आपके साथ है तो टाइगर और आपके साथ चले जाएंगे ये कैसे होगा क्या बोल रहे हैं आपके साथ जब थे तो टाइगर थे और अब वो जोकर बन गए आप सर्कस का यू कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं बोल रहा किस मैदान में शामिल हो रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ किस मैदान में वो शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल वो सर्कस मैदान है मैं जानता हूँ और सर्कस लगता है भाई आप पता कर लीजिए ना सर्कस लगता है एक और सर्कस आज भाजपा लगा रही है। चलिए देखिए ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी अपनी बातों को यहाँ पर रखे हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जोकर बनाकर रखेगी उनका जो ये फैसला था वो बिल्कुल सही नहीं था उन्हें सोच समझ कर ये फैसले लेने चाहिए। तो देखिए चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है सभी पदों से इसके साथ ही आज घाटशिला से जो विधायक है रामदास सोरेन उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ आज ले लिया और ऐसे में सभी जो मंत्री है विधायक अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि करके विधायक और मंत्री जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत बड़ी भूल जो है वो आज चंपई सोरेन ने किया है उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही रहना चाहिए वो बेहतरीन कार्य कर रहे थे हालांकि उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जोकर बनाकर छोड़ेगी। तो देखिए एक बड़ा फैसला जो है हेमंत सोरेन ने लिया है रामदास सोरेन को आगे किया है उन्होंने आज मंत्री के तौर पर शपथ ले लिया है और ऐसे में सभी जो विधायक है जो मंत्री अपनी बातों को यहां पर रखते हुए नजर आ रहे। देखिए रामदास सोरेन से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से अब 2 महीने में काम करेंगे क्या रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है क्योंकि अचानक से उनका नाम जो है वो सामने आता है क्योंकि जब से चंपई सोरेन का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा था कि वो आज नहीं तो कल पार्टी छोड़ सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने ये कहा और उन्होंने अपमानित करने का आरोप जो है वो लगाया उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो देखिए आज जिस तरीके से रामदास सोरेन ने मंत्री के तौर पर शपथ लिया है और तमाम जो हेमंत कैबिनेट के मंत्री है वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे। तो देखिए एक एक करके जो मंत्री है उनके आने का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो गया और भी हम मंत्रियों से बातचीत करेंगे उनसे जानेंगे कि उन्हें कितनी उम्मीद है कुल्हान को कितनी मजबूती मिलेगी रामदास सोरेन के आने से क्योंकि अगर हम चंपई सोरेन की बात करेंगे तो चंपई सोरेन को कुल्हान का टाइगर माना जाता था तो ऐसे में सरकार के साथ साथ रामदास सोरेन की क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर हम जरूर रामदास सोरेन से भी चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर आने वाले समय में वो किस तरीके से
से कार्य करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर वो किस तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। के अंदर जा रहे हैं।